पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के चंडीगढ़ जोन के सदस्यों ने पंजाब नेशनल बैंक के बैंक स्क्वायर सेक्टर 17 में स्थित अचल कार्यालय के सामने भेदभाव व तानाशाह नीतियों के खिलाफ धरना दिया। इस प्रदर्शन में हरियाणा, पंजाब व दिल्ली के 150 से ज्यादा सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सदस्यों ने अपने साथियों के साथ हो रही भेदभाव व तानाशाही नीति को बंद करने, प्रधान कार्यालय की नीतियों को बिना भेदभाव के लागू करने, अपने साथियों के गलत ट्रांसफर ऑर्डर को रद्द करने तथा पोस्टिंग के दौरान भेदभाव बंद करने के खिलाफ आवाज उठाई। धरने का प्रारंभ भेदभाव बंद करो, प्रधान कार्यालय की नीतियों को बिना भेदभाव के लागू करो के नारों के साथ हुई। सभी साथियों ने प्रबंधन से तुरंत कदम उठाने की मांग की और सदस्यों के खिलाफ भेदभाव व तानाशाही बंद करने और सदस्यों के गलत ट्रांसफर ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रद्द करने और अचल कार्यालय द्वारा प्रधान कार्यालय की नीतियों को बिना भेदभाव के लागू करने की मांग की गई। AIPN BOF के महासचिव कामरेड कृष्ण कुमार ने अपने साथियों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने का आह्वान किया और मुद्दों को हल करने का प्रबंधन से अनुरोध किया। कामरेड SK कटारिया महासचिव PMBOF हरियाणा, कामरेड संजय सूद मंडल सचिव चंडीगढ़, कामरेड विभोर कालरा मंडल अध्यक्ष चंडीगढ़ PNBOF ने मसलों को लेकर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त की। धरने में GS ओबरॉय, परवेश मोर, विजेंद्र भोला, प्रशांत कुमार व कई पदाधिकारियों ने विचार व्यक्त किए। मीनू यादव, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने सर्कल गुड़गांव से। हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे, हमारी बैंक में दो संगठन है, उन संगठनों में से एक जो संगठन है जो मेजॉरिटी में है उसके फेवर में यहाँ के मैनेजमेंट जो है उनके दबाव में आके जो काम करती है उसके, हमारे जो अपने मेंबर्स हैं उनका नुकसान करते हैं, उनके गलत तरीके से ट्रांसफ़र किए जाते हैं जो कि HO की गाइडलाइंस के अंडर में नहीं है। तो HO की गाइडलाइंस को जो फॉलो नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग इनको रियलाइज़ कराने के लिए यहाँ धरना दिया है कि कोई भी चीज़ किसी के साथ गलत नहीं होनी चाहिए, चाहे किसी भी संगठन का हो, गलत काम नहीं होना चाहिए। इनसे यही मांग करेंगे कि HO की गाइडलाइंस के अंदर रहकर काम करें और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दोनों संगठनों को लेकर चलें और बैंक की तरक्की में भागीदारी करें। मेरा नाम वैशाली है। जो बैंक की पॉलिसीज है ट्रांसफ़र से रिलेटेड एंड उनका वॉयलेशन हुआ है, इसीलिए ये धरना यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग, जो एक शांतिपूर्वक धरना है। कुछ कॉन्स्पिरेसीज हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके जवाब के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं विजेंद्र बोला हूँ, मैं करनाल का सर्कल प्रेसिडेंट हूँ AIPNBF का और बैंक में सीनियर। मैं देखिए, मांग ऐसा है हमारा जो बैंक में, देखिए बैंक में जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जो ये हमारा आज का जो हमारा धरना है वो हमारा खाली अपने मेंबर्स के हित के लिए नहीं बल्कि बैंक को बचाने के लिए भी है। क्योंकि देखिए, जब बैंक है, बैंक में एक गाइडलाइंस बनाई गई है सभी के लिए और जो HO गाइडलाइन इशू करता है उसी के तहत सभी लोग कार्य करते हैं, चाहे वो सर्कल हेड है, चाहे कोई भी कर्मचारी, एक PTS से लेके MD तक। तो अभी क्या है कि हमारे जो बैंक है उसके अंदर दो ऑफिसर एसोसिएशन है, एक मेजोरिटी में एक माइनॉरिटी में। वो मेजोरिटी का फ़ायदा उठा के जो हमारे साथियों को प्रेशर बनावा के हमारे लोगों को गलत ट्रांसफ़र कराई जा रही है, जो कि बैंक की गाइडलाइन है कि एक ब्रांच में तो 3 साल रह सकता है एक कर्मचारी, एक अधिकारी, और जो स्टेशन स्टे है वो 6 साल का रहता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में 5 साल का रहता है। जो हमारे दो साथियों की ट्रांसफ़र करी गई है उनका, एक का 1 साल हुआ था और एक का भी 6 साल पूरा नहीं हुआ था, और उसके बाद भी उसकी ट्रांसफ़र कर दी गई, और ट्रांसफ़र भी उसके बाद 1 महीने में 2 बार ट्रांसफ़र कर दी गई है। और दूसरा साथी जो ट्रांसफ़र करी है वो एक टॉप परफॉर्मर था हमारे, जो पैन इंडिया बेसिस पे भी उसका 3rd रैंक था और जोन में भी टॉप में रहा, उसको काफ़ी सारे अप्रिसिएशन मिले। हमारी मांग यही है कि तो जो ये भेदभाव की नीति है ये बंद करे और जो हमारे साथियों के गलत ऑर्डर किए गए हैं उनको वापिस ले। अशोक प्रियदर्शी, सर्कल सेक्रेटरी गुड़गांव। ये PNB की मैनेजमेंट की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन है, हम लोग प्रदर्शन करना नहीं चाहते हैं, कई बार मैनेजमेंट हमें मजबूर कर देती है। PNB की जो मैनेजमेंट है वो किसी खास यूनियन के प्रभाव में रह के बहुत सारे लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वैसे लोगों के जो बैंक के लिए एसेट्स हैं, जो बैंक की परफॉर्मेंस को बहुत ऊँचे स्थान पर ले गया,
जिनके सारे टारगेट पूरे किए उनको बहुत दूर रूरल एरिया में भेज देते हैं, जिससे बैंक का बिजनेस जो है बैंक का बिजनेस हैम्पर करता है। बैंक का बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक के वैसे कर्णधारों को वैसी ब्रांचें देनी चाहिए जहां बैंक का बिजनेस बढ़ सके, लेकिन यह मैनेजमेंट दूसरी यूनियन के प्रभाव में आकर अपने अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को, अच्छे अच्छे जो मैनेजर्स हैं, जो परफॉर्मर है, उसको परेशान करने के लिए रूरल एरिया में या और स्टेशन से बहुत दूर है ऐसी जगह जहां बिजनेस ही नहीं कर सकता हो ऐसे जगह में ट्रांसफ़र कर देती है, उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन। हमारी ट्रांसफ़र तो पूरे इंडस्ट्री लेवल पे पूरे होता है, सर्किल लेवल पे होता है। यहाँ लगभग 150 लोग हैं उपस्थित हैं, जो पूरे हरियाणा इवन दिल्ली से भी लोग आए हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग हेड ऑफिस, क्योंकि हम लोग पहले सर्किल ऑफिस करनाल में समस्या हुई थी और करनाल के सर्किल हेड ने कहा था कि वैसे परफॉर्मर की ट्रांसफ़र कर दी बीच में बिना टेन्योर पूरा हुए, जो कहा था ऑल इंडिया में टॉपर है, जो हर पैरामीटर को पूरा किया, जो वित्त वर्ष 2024 का मार्च 24 का भी टारगेट अभी पूरा कर रखा है, उसको ट्रांसफ़र किया, उसको अच्छी जगह में देने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई अच्छी ब्रांच देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन वो सर्किल हेड जो है उसके लिए नहीं माना, वो पूरी तरह से दूसरे यूनियन के दबाव में है, प्रभाव में है, इसीलिए किया गया। सर्किल के बाद हम लोग जोन में धरना दे रहे हैं, जोनल हेड को भी पहले बात की गई लेकिन ये भी ध्यान नहीं दिया उस बात को कि भाई प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद अगर यहां भी नहीं सुनी जाती तो हम लोग हेड ऑफिस पर भी धरना, ठीक है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।